क्या समझे हेडिंग पढ़ के आप? तो गाइस ऐसा सोचना मत। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज ट्यूसडे है शायद। ओके नहीं शायद नहीं 100% ट्यूसडे। कल मैंने व्हाइट ड्रेस पहना था। आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल और वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस कल क्या हुआ पता है? बहुत बड़ा कांड हो गया। मैं ना गई थी, पहले तो आप देख लीजिए मैं कहाँ गई थी, उसके बाद मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ कि क्या हुआ कल। ओके पार्सल चाहिए। तो गाइस ये थी मटका कुल्फी और मैंने भी एक पार्सल खरीद लिया है अभी। तो देखा आपने मैं कहाँ गई थी। तो गाइस क्या हुआ, मैं कल थोड़ा सा वो रबड़ी मटका कुल्फी लेने को गई थी। तो वहाँ खड़ी रह के मैं थोड़ा सा वीडियो शूट करी। मैंने सोचा आप सबको भी दिखाऊं कि स्ट्रीट फूड में ये रबड़ी मटका कुल्फी कैसा है। तो इस तरह से मैं वहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी। और कल मैंने ना वाइट ड्रेस पहना था, लखनवी वाइट कुर्ती पहनी थी और स्कूटी लेके मैं गई थी। तो क्या हुआ पता है, सामने ना हमारे यहाँ उधर मंगलवार मार्केट भरता है, तो वो ना अभी पूरा खाली करवा दिया मार्केट की जगह, नगर पालिका वालों ने दूसरी जगह दे दी है। तो वहाँ से पूरा खाली हो गया। रोड के ये साइड ना पूरा ऐसे गार्डन है और गार्डन का ऐसा बाहर बाउंड्री है, वहाँ पे पैसेज है थोड़ा सा, ऐसे कोना मिलता है। तो कोने में है ना ये कुल्फी वाला खड़ा था और उसके पास में एक जो आपने मेरे वीडियो में देखी जो घोड़ा गाड़ी बोलते हैं जहाँ पे बच्चे आते हैं और घूमते हैं वो खड़ी थी, और एक ट्रक खड़ा था छोटा सा टेम्पो टाइप, उसमें वो लोग ने ऐसे पिज़्ज़ा फ्रैंकी वो सब बेचते ना, तो वैसी वो गाड़ी लगाई थी, ट्रक खड़ा था जो दिन में चला जाता है अपना वहाँ से छोड़ के और रात को वापस वहाँ आके वहाँ खड़ा हो जाता है, लोग बाग आके खाते हैं, जगह भी मिल जाती है।
तो गाइस मैं जब खड़ी रही वहाँ गई और वीडियो शूटिंग करी, सिर्फ हार्डली मैं 5 मिनट्स ही वहाँ पे रही और मैंने फटाफट अपना एक मटका कुल्फी लिया, 60 रुपीज का आया वो, तो मैंने फटाफट वो लिया और मैं निकली वहाँ से। उतनी देर में ना वो ट्रक वाले जो वर्कर रहते हैं, 3-4 वर्कर यूनिफॉर्म में रहते हैं वो ट्रक पे, तो उन्होंने ना उनके ओनर को फ़ोन कर दिया कि कोई मैम आई है और वो वीडियो शूट कर रही है। वो लोग डर गए बुरी तरह से। तो वो जो ओनर था, मतलब जिसके वो ट्रक थी, ज़्यादा उम्र नहीं थी, बच्चा ही था, 20-22 साल का, 22-23 साल का होगा, अच्छा गुड लुकिंग आई था। तो वो ना अपनी सेंट्रो कार लेके आया, उसके साथ एक दूसरा उसका दोस्त भी था आया। उसने मैं अपना गाड़ी स्कूटी लेके निकली वहाँ से और वो वहाँ पे थोड़ी देर रुका और फिर वापस आगे निकला। उसने देखा मैं आगे जा रही हूँ तो उसने अपनी वो ट्रक के वहाँ मुझे नहीं रोका, उसने आगे जाके मुझे रोका। और मतलब मैं साइड से चल रही थी, वो भी साइड से आया और बोला मैम प्लीज़ 2 मिनट। तो मैं रुक गई, मुझे लगा क्या हुआ पता नहीं। कभी कभी ऐसा हो रहा है गाइस, आजकल मैं यूट्यूबर बन गई हूँ तो लोग बाग पहचानने लगे हैं, तो शायद मुझे लगा उसको कुछ काम होगा, मैं वीडियो शूट कर रही थी तो शायद इसलिए उसको कुछ काम होगा, या शायद वो भी हो सकता है यूट्यूबर, मैंने ऐसा सोचा। तो मैं रुक गई, ऐसे में किसी से डरती नहीं हूँ गाइस। तो मैं रुकी, उतने में वो भी उतरा तो बोला मैम क्या हुआ, बहुत पोलाइटली उसने मेरे से बात की, बोला मैम क्या हुआ। तो मैंने बोला कहाँ कुछ हुआ, तो बोलता है मैम आप वीडियो शूट कर रहे थे, मेरा ट्रक है वहाँ पे, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या मैम बताइए प्लीज़। तो मैंने बोला आप क्यों डर रहे हो, तो मैंने भी थोड़ा सा उसको पकाया, टेर ली उसकी थोड़ी सी। तो फिर वो तो पूरी तरह से डरा हुआ था और बच्चा ही था। तो फिर मैंने बोला थोड़ी देर बाद उस प्लीज़ मैम बताइए, प्लीज़ मैम बताइए। तो फिर मैंने उसका बोला कोई डरने की बात नहीं है, कोई मैं कोई नगर पालिका से या म्यूनसिपालिटी से या कहीं से नहीं हूँ, पुलिस से भी नहीं हूँ। आजकल लेडी पुलिस बहुत आई हुई है और विदाउट यूनिफॉर्म वो सब रात को सब चेक वगैरह करने को निकलती है। तो मैंने फिर उसको समझाया, मैं बोली जाओ घर पे खाना वाना खाओ और चैन से सो। तो बोला मैम मैं आपको इस तरह से रास्ते में रोका, आपको बुरा तो नहीं लगा। तो मैंने उसको बोला नहीं नहीं आप ना सोचते रहते थे, डरते रहते थे 4 दिन और कि ज़रूर कोई आएगा, किसी की कंप्लेन गई है तो मेरी गाड़ी बंद करवाएंगे, आप डरते ही रहते थे ना। आप उससे अच्छा वो ना आपने क्लियर कर लिया तो आपका डर तो चला गया, अब आप चैन से सो सकोगे। तो गाइस ऐसा हुआ, तो वो बुरी तरह से डर गया था 2 मिनट के लिए, तो उसने मुझे रोका। तब मुझे भी ऐसा लगा ये मुझे क्यों रोक रहा है, मैं सिग्नल से तो अच्छे से आई, कभी कभी ऐसा होता है ना सिग्नल में तोड़ के भागती हूँ। कभी कभी लेट हो जाता है, रात को सिग्नल कोई देखता नहीं है, तो मैं भी कभी कभी निकल जाती हूँ पर आजकल नहीं निकलती हूँ। तो कल तो मैं पूरी तरह से खड़ी थी सिग्नल पे, तो मुझे लगा मैंने सिग्नल तो नहीं तोड़ा है, ये क्यों मुझे रोक रहा है। और फिर बेचारा चैन से चला गया। तो ऐसा सब हुआ मेरे साथ कल रात को। तो बहुत अच्छा, रात को मैं घर पे आके मुझे इतनी हंसी आ रही थी, कुल्फी मेरी पूरी मेल्ट हो गई। कुल्फी मेरी पूरी मेल्ट हो गई गाइस, पर एक बात बोलूं कुल्फी बहुत टेस्टी थी। और कुल्फी के बाद जो ये कांड हुआ उसकी भी बहुत मज़े आई मुझे। तो चलिए यूट्यूबर होने के कुछ तो फ़ायदे, मैं वीडियो शूट कर रही थी इसीलिए उसको डर लग गया, और ऊपर से मैंने वाइट कलर का ड्रेस पहना था तो वो और भी डर गया कि ये कोई या तो समाज सेविका है या क्या, मेरी गाड़ी की तो वाट लग गई अब, क्योंकि उनकी तो ऐसे ही बैंड बजी पड़ी है गाइस, क्योंकि वो पूरा मंगलवार मार्केट तो वहाँ से उठ गया, उनके जो बिजनेस था वो कम हो गया है, तो वैसे ही बेचारों की बैंड बजी पड़ी है, क्योंकि गाड़ी में वो लोग बहुत खर्चा किए हैं, वर्कर हायर किए हैं, और अगर बिजनेस नहीं होगा तो होता है गाइस, होता है ऐसा ही होता है। तो चलिए गाइस अब मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए, ये मुझे आपको बताना था और आपके साथ शेयर करना था
कि कल रात मेरे साथ ऐसा हुआ। तो अब मैं निकल रही हूँ ब्यूटी पार्लर में, मेरे पार्लर में निकल रही हूँ। बेचारा चैन से सोया होगा रात को। किसी को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है ना फ्रेंड। वो बेचारा खाते खाते खाना खा, रात का टाइम था 9:30 का, खाना भी खाया होगा या नहीं पता नहीं, दौड़ दौड़ के आया वो। तो गाइस चलिए मैं निकल रही हूँ पार्लर में, और बातें तो चलती रहेगी, आगे चल के दिखाती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ, और आपके लिए मैं ज़रूर कुछ ना कुछ शूट तो करूँगी रास्ते में आते जाते। मैं किसी से डरती नहीं, और बस मैं किसी को डराना भी नहीं चाहती हूँ। तो चलिए गाइस, यूट्यूबर होने के फ़ायदे बहुत है कि लोग डरने लगे हैं, और मेन बात है लोग पहचानने लगे हैं। अब लोग पहचानने लगे हैं कि मैं यूट्यूबर हूँ, छोटा सा गांव है तो जानने लगे हैं लोग। तो अब मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए। गाइस एक अपडेट मुझे देना था, अगर आप मेरे साथ मेरे सब्सक्राइबर हो और शायद आपने मेरा वो वीडियो देख लिया होगा तो आपको पता ही होगा, पर मैं 1 तारीख से ना फुल एडवांस ब्यूटी कोर्स, ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स लॉन्च कर रही हूँ। तो गाइस जो भी नए मेरे लेडीज़ फ्रेंड्स हैं वो सब मेरे साथ ज्वाइन होइए, ताकि आप ब्यूटी कोर्स में मेरे साथ पूरा ब्यूटी कोर्स सीख सको। गाइस उसमें एडवांस और बेसिक दोनों आएगा, मेहंदी भी आएगी, पूरा आएगा। तो अल्टरनेट डे मेरा वीडियो आएगा, रोज रोज तो नहीं कर पाऊंगी मैं, पर अल्टरनेट डे मेरा वीडियो आएगा। तो आप वो वीडियोस मेरे ज़रूर से देखना, पूरा ब्यूटी कोर्स आप घर बैठे ब्यूटी कोर्स सीख सकोगे। उसमें मैं प्रॉपरली सिस्टमेटिकली सब स्लोली स्लोली अच्छे से सिखाऊंगी गाइस। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर कीजिए जिनको सीखना है ब्यूटी कोर्स। तो गाइस तो मिलते हैं मेरे ब्यूटी कोर्स में भी है। तो ये मेरा छोटा सा अपडेट आपको देना था, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग मेरे साथ ज्वाइन हुई है जिनको ब्यूटी कोर्स सीखना है। ओके गाइस देखिए वेस्ट ऑफ पानी हो रहा है यहाँ पे, टंकी भर गई है और वॉचमैन का पता नहीं है, अभी फ़ोन करती हूँ उसको। तो गाइस मैंने वॉचमैन को फ़ोन कर दिया है और वो आके नल बंद कर रहा है, मोटर बंद कर रहा है नल, तो क्या मोटर बंद करेगा। तो और फ्रेंड्स यहाँ पे जो नारियल का झाड़ है दिखाती हूँ मैं आपको, बैक कैमरे से दिखाती हूँ 1 मिनट। हाँ ये देखिए क्रिसमस ट्री के पीछे जो नारियल का झाड़ है, कोकोनट ट्री दिख रहा है गाइस। तो उसमें ना इस तरह से ऊंचा रहता है ना, तो इस तरह से पूरे वो लोग ने होल बनाए हैं ताकि उस पर पाँव रख के इजीली वो लोग ऊपर तक चढ़ सके, और बहुत सारे कोकोनट लगे हुए हैं। अरे यार ये वॉचमैन का बच्चा अभी तक नहीं आया है, देखती हूँ नीचे जाके। ओके देखिए गाइस आया वो दौड़ दौड़ के साइकिल पे आ रहा है। ठीक गाइस हम सुबह मिले थे, उसके बाद अभी मिल रहे हैं, पूरी लिपस्टिक मैंने खा डाली है। और दोपहर के क्लासेस चालू हो गए थे मेरे, तो क्लासेस में मैंने उनको वैक्सिंग वगैरह करने को सिखाया, और क्लाइंट थी उसका ब्लीच फेशियल भी हुआ, तो क्लासेस वाले उसी में सब में बिजी थे। तो एक क्लिप में डाल रही हूँ मैंने वैक्सीन कैसे किया वो, आप पहले वो मेरी क्लिप देखिए फिर मिलके चाय पीते हैं। ओके तो चलिए जल्दी से देख लीजिए छोटी सी क्लिप वैक्सीन की। वैसे वैक्सीन का वीडियो मैंने मेरे ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स के लिए बनाया है, जो मेरे 1 तारीख से सारे वीडियोस आएंगे, day 1 day 2 से। तो ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स की लॉन्चिंग तो धमाकेदार होने वाली है। तो गाइस उसके लिए मैंने वो वीडियो थोड़ा सा शूट किया दोपहर को, और तो इसमें भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक क्लिप डाल देती हूँ इसमें, तो आप देख लीजिए जल्दी से देखिए, फिर चलिए चाय पीते हैं उसके बाद।
वीडियो चल रही है कि क्या चल रहा है? तो गाइस चाय बन रही है, उबल रही है मेरी, और आप सब भी आ जाओ चाय पीने। ये चाय में पार्लर में ही बना रही हूँ गाइस। थोड़ा सा वन टाइम चाय शाम को पीने को चाहिए, और मम्मी भी आती है ना मेरे साथ, तो मम्मी को बिना चाय के कैसे रख सकते हैं। और मम्मी को बाहर की चाय पिलाना मुझे पसंद नहीं है, और मेरे पार्लर में इस तरह का अरेंजमेंट है कि हम लोग चाय बना लेते हैं। तो इसमें मैंने मसाला डाला है चाय में, दूध है, चाय पत्ती है, और मेरी चाय उबल रही है। गाइस वो जो बोलती है चाय पी लो फ्रेंड्स, वो क्या बोलती है? पापे खा लो फ्रेंड्स। पापे मतलब क्या होता है गाइस? किसी को पता है तो मुझे बताइए। पापे मतलब मुझे लगता है टोस्ट या बिस्किट, क्या होता है? चाय पी लो फ्रेंड्स, पापे खा लो फ्रेंड्स, ऐसा बोलती है ना, उसका मुझे पता नहीं है। और मम्मी को मैंने चाय दे दी है। मम्मी चाय टेस्ट करीने बताओ केवी छे। चाय पी रही है, और चाय बहुत अच्छी है, चाय अच्छी बनी है, मसाले वाली चाय बनी है। तो चलिए चाय एंजॉय करते हैं, और साथ में पापे भी एंजॉय करते हैं। गाइस किसी को पता है तो मुझे जरूर से बताना पापे का मतलब क्या है। चाय पी लो फ्रेंड्स और पापे खा लो फ्रेंड्स। पापे खा लो मतलब क्या है मुझे समझ में नहीं आया आज तक। बग इकड़े बग हाय, ओ काय करतो टपी, ए टपी, ओय ओय फिरायला निघालाय टपी। टपी टपी दे हैंड 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 दे दे दे, हेलो बोलो, हेलो हाथ दे, हाथ दे, हाय बोलो, हाय ए देखो देखो, अरे बाप रे चावणार नाही ना, नाही नाही। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको देखो खेलना, खेलने का है, खेलने का है ये, इसको देखो खेलने का है। अरे 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 अरे, बस 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 बस, पूरे पैर पे चढ़ रहा है। तो गाइस ये था टफी, टफी टफी प्यारा प्यारा डॉगी है, जो मेरे पार्लर के वहाँ ऊपर एक किसी के घर पे रहता है। तो उसके साथ थोड़ा सा खेल रही थी मैं, और उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत। जब भी वो रात को राउंड मारने नीचे आता है ना, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है उसको टच कर लूँ। कैसे चिपक रहा था देखा मुझे वो, हर किसी को ऐसे चिपक जाता है, बस मुझे लो, मेरे सर पे हाथ घुमाओ। तो कैसा लगा आपको टफी से मिलके? तो गाइस अब मैं निकलूँगी घर के लिए, और बस बजे हैं 9:20, और मेरी जाने की तैयारी है घर पे। गाड़ी का कवर मैंने निकाल लिया है, और बस अब निकलते हैं घर के लिए। घर जाके थोड़ा सा राइस बनाऊंगी, और दाल मॉर्निंग में बनाई थी तो दाल पड़ी है, और करेले की सब्जी है, तो गरम गरम राइस, दाल को भी गरम कर लूँगी, डबल फ्राई कर लूँगी, और खाना खा के बस घर जाके आपसे मिलती हूँ गाइस। चलिए निकलती हूँ पहले घर पे। गाइस अभी रास्ते में कोई मटका कुल्फी नहीं, कुछ भी नहीं, सीधे चलेंगे घर पे। ओके सीधे घर पहुंचते हैं। कोई वीडियो शूट नहीं करूंगी रास्ते में, सीधा घर पहुंचूंगी मैं। तो गाइस चलिए निकलते हैं अब घर के लिए। तो फाइनली गाइस अब हो गई है रात, और मैं जा रही हूँ सोने को, बहुत थक गई हूँ, और ये मैं उल्टी पुल्टी होके बेड पे सोई हूँ।
ऐसे ही उल्टी साइड से सोई हूँ। अब मैं सीधे से गुड़िया को लेके सो जाऊंगी, बहुत थक गई हूँ। मैंने दाल चावल और वो सब खा लिया था गाइस। और टफी से मिले ना आप, अच्छा लगा ना टफी, बहुत प्यारा है टफी। और बस अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे जो भी नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।